नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बहराइच के यूपी भारत नेपाल सीमा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बॉर्डर 2 करोड़ रुपए के स्मैक के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर रुपया पुलिस ने 3 तस्करों को भारी मात्रा में स्मैक के साथ किया अरेस्ट। 3 नेपाली तस्करों के पास बरामद हुए 260 ग्राम स्मैक। स्मैक के थोक कारोबारी की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस रुपया थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने की बरामदगी। खास रिपोर्ट बहराइच से कुंवर दिवाकर सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में थाना रुपैडिया को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना रुपैडिया के एसआई अजय तिवारी, संतोष यादव और उनके नमराईगण द्वारा भारत नेपाल सीमा पर थाना रुपैडिया बॉर्डर पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से अंतर्राष्ट्रीय कीमत की लगभग 2,60,00,000 की स्मैक बरामद हुई है। बरामद स्मैक के आधार पर इनके विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है और इसमें अन्य जो भी लोग प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाई।